हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। थिएटर्स खुल चुके हैं और अब धीरे धीरे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान कर रही हैं। इन दिनों फिल्मों को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं बात अगर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की करें तो मेकर्स और स्टार्स दोनों का ही जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस साल हिंदी फिल्मों को साउथ की फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जहां अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों की फिल्मों को मेकर्स रिलीज करने से बच रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उधर साउथ के मेकर्स एक के बाद एक अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए तारीखें बुक करते जा रहे हैं। जहां प्रभास की राधे श्याम 30 जुलाई को रिलीज होनी है, उससे पहले 16 जुलाई को KGF चैप्टर 2 और उससे भी पहले 2 जुलाई को फिल्म मेजर रिलीज होने वाली है, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई का महीना करीब करीब पूरा ही साउथ फिल्मों के लिए बुक हो चुका है। और ये वो फिल्में हैं जो हिंदी में भी डब होकर रिलीज होने जा रही हैं। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों में कोई ना कोई बड़ी साउथ की फिल्म रिलीज हो ही रही है। 13 अगस्त को पुष्पा रिलीज होगी तो 9 सितंबर को लाइगर, लेकिन असल बॉक्स ऑफिस मुकाबला इस साल अक्टूबर में होगा। दरअसल 13 अक्टूबर को SS राजमौली की फिल्म RRR रिलीज हो रही है। साउथ के इस फिल्म का मुकाबला अजय देवगन की फिल्म मैदान से होगा। दिलचस्प ये भी है कि फिल्म RRR में भी अजय देवगन का खास रोल है। RRR और मैदान को दशहरे पर रिलीज किया जाएगा। RRR 13 को और फिल्म मैदान 15 अक्टूबर को रिलीज होनी है। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि बॉलीवुड साउथ के सामने आने से डर रहा है। सलमान की राधे और जॉन की सत्यमेव जयते की रिलीज का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन कई बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों की रिलीज से डर रहे हैं। वैसे इन दिनों लोगों में साउथ की फिल्मों का क्रेज काफी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में रिलीज हुआ KGF चैप्टर 2 का टीजर लोगों को काफी पसंद आया था। लोगों ने इस फिल्म के टीजर पर इस कदर प्यार लुटाया कि इस टीजर ने आते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिया और अब हर किसी को उम्मीद है कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। इसके अलावा जल्द ही रिलीज होने वाली बाकी की साउथ फिल्मों को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस तरह की फिल्में इन दिनों साउथ इंडस्ट्री में देखने को मिल रही हैं, वैसा हाल बॉलीवुड में नहीं है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार्स साउथ की फिल्मों के सामने आने से कतरा भी रहे हैं। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ये साल किन फिल्मों के नाम होता है। वैसे आप किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।